मायनक मौजूद आया कराची की मेन शहर है टावर वे इलाके में। टावर वे इलाक समेत मुख्तलिफ इलाका तक डेखारी बरसात का रोडन रस्तन की हालत है तमाम घनी खराब थी चुकी है जै सब मानून के तमाम घनी मुश्किल के मुंह दियण पे तो अचो तो इतना के मानून से गाल बोल क्यों तो इन बाबत इन चवण है। तो ही कराची जो बैनल अकामी शहर है जो असे पूरे पाकिस्तान के लीड करे तो इनकी वही आमदनी है इतना सी पैक है पास में आई जी चंद्रीगढ़ रोड है उतने डी आई जी एस पी गवर्नर पास में अगर सिंध असेंबली पर इतने गटर वेरान इतने जो गाड़ी न पब्लिक को सपोर्ट ना है पब्लिक दुआ ही गाड़ी में वेठी है हालात ये जो रोड या गटर उभामी था पवन तो मानून जो थैलियों असर असल में छापरून अस रुलंदा तो रोड से हाँ जैसे गाड़ी पानी में बीठा तो बूट पुसाए तो गाड़ी में चढ़ू या तो सिंध ना आयल है गवर्नमेंट ही ना आयल है पाकिस्तान की जो हुकूमरान मौजूद जो हुकूमत है वह या सिंध की जो असि 15 साल का गवर्नमेंट वेठी है उन्हें सिंधी मानून के लगा या सिंधी के लगा उन्होंने है पे सफर कहता तो घो टाइम लगे हाँ रोड की सूरत हाल खराब होने सबब तेतो टाइम लगे तो अच्छे में पे गाल असेंगे जैसे कें वक्त में यानी पज सत अठ साल अगर अस सफर कह तो असें उन लगन अध कलाक हाँ अस लगन था पौना बलाक तो यह असंजी सिंध हुकूमत की ना आयल है छो तो रोड ना हथ वी बोर्ड कराएं या सिंध के मानून के रोडन से आन या कराची में मानून से जी हालतून एक टाइम जो वेलो खाइन था बे टाइम जो ना खाइन मजूरी तंग थी वही सिंध गवर्नमेंट पर पैसो ना है अस चौंता खुदारा या तो आवाम रिलीफ दियन उन रोडन रस्तन के हालात दिसन ए मानून के मैनेजमेंट कन आई तो लगा इलेक्शन में को बीहण सर ये मेन शहर है टावर है चाहिए इसके साथ ही कस्टम हाउस है इसके साथ ही आईजी ऑफिस है नेशनल बैंक वगैरह भी हैं सारी इतनी बड़ी पब्लिक सिटी है ये रोडों की हालत देखें यहाँ इतनी अच्छी सर्विस चल रही है पीपल सर्विस इन गाड़ियों का एस्टिमेट नीचे आवाम इसके लिए मर रही है चाहिए आवाम की सहूलत दी गई है मगर रोडों की हालत देखें क्या है यह हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है गटर के पानी इतने बह रहे हैं कि आवाम के कपड़े नमाज के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं किस तरीके से पब्लिक आए नमाज के भी कपड़े ने गंदे हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए गटर के पानी को क्लियर करें पहले गटरों को क्लियर करें फिर रोड डालें ताकि इतनी अच्छी सर्विस चल रही है आवाम के लिए वो सर्विस बरकरार रहे। मैं मौजूद आया एम ए जिना रोड क्लाक मार्केट जिथे तुम सूरत हाल ऐसी इन रोड की रोड की सूरत हाल भी तमाम खराब थी गई है उतने रहायश से गाल बोल क्या चवण है हाल बहुत ज़्यादा खराब है आने जाने वालों के लिए और यहाँ हॉस्पिटल भी करीब है तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ हजरात जो है वह यहाँ से उनका आना जाना है तो बहुत ज़्यादा यानी मसला है ताकि इसके लिए कोई जदोजहद हो ये बनाया जाए और ये सहूलत जो है आवाम को दिया जाए भाई। वैसे तो पूरे कराची का हाल ही जो है ना पुरसाने हाल है कोई पूछने वाला नहीं है इस टाइम जो हालात चल रहे हैं ऐसा नहीं कि इस रोड का मसला है पूरे कराची के अंदर जो है सारा मामला जो है वो ख़राब है ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से जो है आमदोरब जो है उसके अंदर रुकावट और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो हॉस्पिटल के अंदर जो है मरीजों का आना जाना और मरीजों के लिए बड़ा ही मसला है एम्बुलेंसों वगैरह का उनके अंदर जो है मेरे भाई ये है कि ये सहूलत मिल जाना चाहिए इस आवाम को इनका हक है और ये आवाम अपने हक से महरूम है जिस तरह से चल रहा है बस अल्लाह ही चला रहा है। दूसरी बात है कि जो आला हुकाम है उनसे आप गुजारिश भी करेंगे ना तो वो सुनेंगे नहीं वो अपनी हामी भर के चले जाएंगे लेकिन होता कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हुए हैं मेरी आंखों के सामने कि मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे पानी की लाइन फटी थी आप ये देख लीजिए पानी की लाइन वो मैंने वहाँ पे वीडियो वायरल करके मैंने की तो सब फिर आला हुकाम वाले आए अफसरान आए उन्होंने देखा कि अभी इतनी गड़बड़ है। अब बात यह है कि यहाँ किसी का कोई एहसास ही नहीं है कई एक्सीडेंट अभी भी होते हैं किसी का टायर पंचर हो गया कोई हो गया मसला। अब यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले चालान भी काटते हैं लेकिन वो भी बेचारे किस तरह से करते हैं हमें पता है वो अपनी ड्यूटियाँ कर रहे होते हैं लेकिन जिसकी ड्यूटी में ही शुमार होता है उसको परवाह ही नहीं। हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को ये पैगाम दे सकता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी महसूस करें खुदा के लिए इंसानी जानों को महफूज करवाइए। दूसरी बात ये कि आप हुकूमत ख्याल करेगी ना तो लोग भी ख्याल करेंगे। असंके हुकूमत के दरख्वास्त आए थे इन्हें रोड के सुठो मटेरियल इस्तेमाल कीजिए और हिकमल सही तरीके से कम कीजिए
इन कर आए ही मतलब रोड जो ये हालत है भरी पे उन अलावा इतने रोड के भजन की वजह से रात जो गाड़ी स्लो थी थे जैमें वारदात भी इलाही थे थी पी यो असा इलाही इतने मुश्किलात आन मतलब रोड की खराबी की वजह से रात जो वारदात भी थे थी पी उन अलावा रोड भी खराब आ और रोजाना ट्रैफिक भी हद का इतने जाम थी थे पी तो असके हुकूमत की दरख्वास्त है तो रोड ठहरा वाले इलाही ट्रैफिक जाम थी थे नाजिन तमाम मुख्तलिफ इलाकन की सूरत हाल की जैमें टावर एमए जिना रोड क्लाक मार्केट आई गार्डन की रोडन रस्त की तुम हालत डिठी तमाम घनी खराब है इतना शहर की शहर जो यो ही चवण है तो हुकूमत खपे तो इन रोडन रस्त के ठाए जी जो असो कलाक जो सफर है वो अद कलाक में पूरा थी वे कैमरामैन अब्दुल रशीद से गुड अली रजा शेख केटी।